चावड़ी की चावड़ी कोई लंबा नहीं घुस रहा लाओ सुनो ये घुस रहा लाओ हाँ सर बड़ा ठीक है सर आपके सर जैसे वो कोड आपको मेल आया है कि नहीं कुछ कोड आता है और जिसे अप्लाई के लिए जो है ना सर डैशबोर्ड पे शो करता है मैं तो कल भी खोल के देखा था कोई कोड शो नहीं कर रहा डैशबोर्ड पे तो नहीं अप्लाई हाँ कोड वो भेजता है यूट्यूब से ना डैशबोर्ड पे अभी लगभग 10 से 15 लगभग मानिए ना पूरा हुआ है सफल लाख किसी पे किसी डैशबोर्ड पे शो नहीं कर रहा है कोड एक आप ही कहिए मैं है वो आप पे मिल जाएगा हम आपको खुद कॉल कर लेंगे और किस एड्रेस पे मंगाना है वो एड्रेस में कोई दिक्कत नहीं वो कर देंगे उसके बाद आपको जो है ना एक इंडिया में यानी यूएस से जो सप्लाई होता है सारा काम वगैरह जो है यूट्यूब का उसका एक इंडस्ट्रीज है वो इंडस्ट्री से कॉल आएगा आपको एक फॉर्म बोलेगा उस पर साइन करके दीजिए और एक आधार कार्ड या एक पैन कार्ड मांगेगी वो तो वो उस पर साइन करके आपको भेज देना है बस वो जैसे भेजेगी आपको एक सप्ताह के अंदर आपको भेजेगी वो हम फिर खोल के देख लेते हैं ताकि वो मेल जब तक आएगा नहीं तब तक नहीं कुछ कर सकते हम लोग वो आ ही जाता है अच्छा वो ठीक हो जाएगा वो प्रमोशन के लिए आपका भी दूसरे में लगाया जाता है और हाँ अच्छा अच्छा जरूर हाँ नहीं तो वो देखिए आपका चला हाँ चलता है सर आपको तो वीडियो पे जो है ना सर जैसे कोई वीडियो जो होता है कहाँ चल रहा है किस क्षेत्र में चल रहा है कहाँ है नहीं है तो आपको वो मिलता है जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास न्यूज़ का है उस पर एंड स्क्रीन लगा दिए लैपटॉप जो होता है उस प्रकार से वो होता है उस पर तो आप देखते होंगे बहुत सारी चीज़ें वो मैं करके आपको भेजता हूँ व्हाट्सएप करता हूँ सर आप देख लीजिएगा हाँ उसका भी रिपोर्ट आने वाला है उसका भी रिपोर्ट अगर ऑडियो आपका जैसे तो इसे अपलोड हुआ था और उसका भी कंफर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ आपको आप जो है व्हाट्सएप पे लिखिए सर ये वीडियो प्रमोशन वाला मेरे को भेजिए और ये वाला भेजिए मतलब ऑडियो वाला रिपोर्ट वो जी हाँ कहाँ कहाँ जा रहा है क्या नहीं हो रहा है क्या वही मैं बता दूँगा क्या जरूरी नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं देखिए सर्वर क्या होती है ना सर अपनी जो कंपनी है सर्वर एक मान लीजिए कि आप कोई गाड़ी रखे हुए हैं आप 20 गाड़ी रखे हुए हैं अगर आपके पास ज़्यादा रिजर्व आता है होता है तो आपके पास उस तरह का सुविधा नहीं होता तो दूसरे का बस वगैरह आप मैनेज करते हैं उस प्रकार से हम लोग ये सब काम करते हैं उसमें आपको पेमेंट फंसने का कोई चांस ही नहीं होता है नहीं वो तो मैं मैनेज करता हूँ ना उसका वो मुद्रीकरण करता है वो मुद्रीकरण यानी क्या वो पेमेंट देने का वो भागी बनता है तो सारा हम लोग के अंदर हम लोग करते हैं हाँ ऐसा कुछ नहीं है मैं वो करके भेजता हूँ सर नहीं अपने ही अंडर में है सर जैसे मान लीजिए क्या है वो स्टूडियो सोनू के नाम से सीएनएस था ठीक है तो उसमें बहुत सारी कॉपीराइट अभी आप ट्रैक यूज नहीं ना कर रहे सर अगर आप ऑल्ट ट्रैक पे यूज करते ना
तो आपको समझ में आता है वही जिस सीएमएस से अपना सर्वर का जो ऑफिशियल लिंक है ना वही सीएमएस से कम से कम अभी एक बार तो लगभग बहुत सारे लगभग 2 लाख ऑडियो प्लस है अपलोड लेकिन उसको नाम चेंज करके कॉल खुशबू वगैरह बहुत सारे लोग कॉल करने लगे या सुनो कॉपीराइट हटा देते ये करते वो करते तो आजकल जो ट्रैक यूज करेगा कॉपीराइट जाएगा ही अगर आपका म्यूजिक कोई चोरी करेगा तो उसको कॉपीराइट लगना चाहिए वो आपकी संपत्ति है। हाँ हाँ अच्छा आप भी जा सकते डर के बैग कर अच्छा अच्छा हट गया। अब हम बताते हैं बीच में कुछ फेक स्ट्राइक चल रहा था मेरे नाम से ठीक है मतलब कोई मेरा नाम यूज करके चल रहा था मैं मुझे मतलब डिस्टर्ब करने के लिए कुछ लड़के लोग वगैरह जो है ना गेम खेल रहे थे ठीक है तो इसमें बहुत सारा चीज़ हुआ तब मुझे जब लाइव आया था ना मुझे तब तक नहीं पता था क्या कैसे नहीं है जब लाइव आया उसके बाद कुछ देर के बाद जैसे होता है ना कि आदमी को कुछ बर्बाद हो रहा है कोई कोई थोड़ा सा दिल का दिलेर आदमी होता है तो उसी में वही ग्रुप का बंदा कोई फ़ोन किया गया जैसे बातें तुमको फंसाया जा रहा है मेरे बोला आ रही जो बोला है वो मेरे यहाँ से कोई स्ट्राइक नहीं गया है मैं किसी को स्ट्राइक नहीं देता हूँ। हाँ ये क्लेमिंग जो होती है जो हमारा अपना म्यूजिक जो अपने यहाँ से अपना म्यूजिक को यूज करता है ऑटोमेटिक वो क्लेम लग जाता है क्लेम होता है क्या कि आपकी जितना भी आपका म्यूजिक है वो अगर वो चढ़ाता है या ट्रैक यूज करता है तो वहाँ कॉपीराइट शो करेगी ठीक है। नहीं स्ट्राइक हम लोग मारते ही नहीं है नहीं नहीं वो ना 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 आपके चैनल से अगर मारेंगे थोड़ी सी बात तो वहाँ तो सर्वर साइड ऑफिशियल लिखेगा क्लेम बाय लिखेगा हाँ नो लॉन्जर क्लेम कॉपीराइट जो होती है वो सर्वर साइड ऑफिशियल होगी ईमेल आईडी हमारा होगा वर्क विथ सोनू होगा है ना तो फिर ना ना वो देखिए क्या है ना सर वो क्या है मैं बताता हूँ रवि का लगभग 5 ही चैनल हमारे यहाँ लिंक था ठीक है वो बंदा क्या है सिर्फ सीएमएस लिंक करा लिया उसमें ना काम करता है वो लोग ना कुछ करता है हमारे यहाँ क्या होता है ना अब मान लीजिए सर आप काम कर रहे हैं ठीक है काम कर रहे हैं तो आपके पीछे हम लोग मेहनत करेंगे तब ना और भी आपको हेल्प मिलेगा और आप हमें हेल्प कीजिए हम आपको हेल्प करेंगे तब ना और ग्रोथ होगा। आप सिर्फ चैनल लिंक करा करके आप क्या होगा कोई फायदा होगा सर कुछ नहीं। हाँ एक साल में सर 30 चैनल जोड़ सकते हैं आप ठीक है आप सोचिए अगर आपके यहाँ 30 स्टाफ काम कर रहा है ठीक है या आप मान लीजिए कि आप लाख रुपए खर्च कर रहे हैं सर सपोजेड आप कर रहे हैं उसके अनुसार से कमाई होना चाहिए ना लगभग 3-4 लाख रुपए फायदा होता है आपको कुछ कीजिएगा जाना आना गाना लिखवाना वीडियो शूट करना कितना होता है उस तरह से वर्क होता है सर हर चीज को देखते हुए काम करना पड़ता है अब उतना वे कर दिए और क्या हुआ कि भैया हटा दीजिए मेरे चैनल पर हटा दिया मैंने मुझे को लगा कि कोई फायदा नहीं मैं हटा दिया इनका चैनल हटाने के बाद वो फिर कॉल कर मेरा हटा दियो दोस्तों दिया मेरा हमको मेरा ये वो चैनल दीजिए मेरे को लगा कि ये काम करने वाला बंदा है ही नहीं लेकिन मुझे कहा जाओ चैनल में बस ये सब सारा चीज़ हुआ और जरा कुछ भी कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो क्या समझता है वो क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बस वर्क अगर तो लोग बढ़िया करेगा उसके पास लोग जाएगा नहीं तो बढ़िया ऑडियो वीडियो डालेगा ये यूट्यूब पे गूगल पे ये हर चीज़ पे डालेगा तो उसका मांग ज़्यादा होता है अब जो घर में बैठे सिर्फ हारमोनियम लेके गा रहा है उसका कोई मार्केट में चले कोई
गाली देना, तो कैसे क्या उन लोग कैसे करेगा? होली में तो आपका होली का राजा है आप। एकदम एकदम सर, एकदम होली में तो देखिए सर, सरबन सर ये आपका हो गया सर, है ना, सरबन सर ऑफिशियल चैनल हो गया एंड अंगिका एंटरटेनमेंट ये रनिंग है, ठीक है, राजा चैनल से, ठीक है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सर। और जहाँ तक होगी, जहाँ मान लीजिए हमने काम कर पाया, हम आप हमें कॉल कर सकते हैं, तो हम लोग तो करेंगे ना, वो जो हमारा काम है वो दिन रात लगा कर हम लोग मेहनत करेंगे। क्या नहीं आ रहा है वो जो है ना सर, जो आप वो क्या होता है स्टेटस लगाने का, यस यस, वो क्या कभी कभी होता है, कुछ कुछ चैनल्स हैं जो कि प्रॉब्लम हो जाता है, उससे कोई कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उससे कोई कुछ नहीं, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा सर। हाँ, अच्छा अच्छा ठीक, हम चेक कर लेते हैं सर, वो हम चेक किए, जिससे जहाँ तक कि देखिए क्या होता है ना सर, कि मान लीजिए कि आप कोई वीडियो देखे या कुछ इधर उधर है, तो हर चीज़ अगर देख लेते हैं आप और वो जानते हैं, तो इसलिए मैं पहले ही कर देता हूँ कि हाँ सर ये सर सब बात है, हो गया। और ज़रा कुछ नहीं, तो आप जिस तरह कर रहे हैं तो हम इसके बारे में सर इसके थोड़ा ज़्यादा प्रयास करेंगे और ये मैं ऑन करने का प्रयास करूँगा सर। और ये तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है जहाँ तक कि मेरी सोच है सर, और जहाँ तक मेरा तो कुछ ज़्यादा यूज़ करते होंगे, कुछ ज़्यादा यूज करते होंगे या कुछ प्रॉब्लम्स होगा। हाँ, ठीक है, तुम पूरी उसमें क्या हैक कर लेते हैं। हाँ सर, क्या हाँ, अच्छा, नहीं देखिए सर, अब किसी को अब कोई हमको तंग कर रहा है ये वो, तो उसके अति से हम थोड़ी छोड़ देंगे काम, हमको जो हटाना चाह रहा है उससे क्या है, हम लोग अगर खुद से सर आज मैं हूँ तो है, काम करते का एक्सपीरियंस हमारा ये है सर, और ये काम छोड़कर हमारा कोई काम है ही नहीं। बहना सर, लोग क्या बोलते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और काम करते जाएंगे सर तो लोग हमारे लिए ही बोलेंगे, सोचेंगे, बहुत सारी होता है, तो उससे ध्यान नहीं देना सर। एकदम सर, बिल्कुल, आप टेंशन, आप कोई बोलने का मौका आपको नहीं मिलेगा, आप जो बोले मैं उसमें सुधार करता हूँ, और जो भी है वो फाइनली वर्क कर रहा हूँ सर। जरूर आइए ना, ओके, शूट पे आ जाओ, कहाँ पे शूट कहाँ होगा सर, पुनपुन या नवीन पार्क या कहाँ पे? ओके सर, हाँ, कॉल कीजिएगा सर, हम मिल लेंगे। की प्रॉब्लम लोगों, वो हिंदी में बोलने का प्रयास करो, समझा? हेलो, we'll be right back.
बहुत बड़े स्टार तो नहीं है बोलिए ना। आप चेक किए हैं कितना चैनल सुखा होती हुआ है आपका? हे भगवान क्या बोल रहे हैं आप? अरे उस प्रकार का हर चीज होना चाहिए। आप माइंड ठंडा करके हमसे बात कीजिए। क्या दिक्कत हो जाएगा बोलिए? अरे सब अच्छा है, आपका मन जो है ना वो मन खराब आपका है, ठीक है? हर चीज ठीक है, आपका मन अपने आप को सुधारिए आप। कौन बिगाड़ना चाह रहा है? क्या बोल रहे हैं आप? आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आप समझ आ रहा है आपको? आपका मतलब आप बताइए वो डिजिटल क्या करता है आपको पता है? डिजिटल क्या करता है आपको? क्या आपको व्यू ला के देता है या कुछ करता है? वो सॉन्ग और सिंगर एंड कंपनी पे एंड उस पे बहुत सारी चीजें होती है, वो अनुसार है। आपको क्या लगता है बताइए आपको कि हम आपसे दुश्मनी है या एक मिनट अच्छा बताइए कितना दिन के बाद गाए हैं आप ये अभी गाना जो इस पर अपलोड किए हैं? आप कितना दिन में अपलोड किए हैं अभी? मतलब आपके गाना मतलब रिलीज हुए कितना दिन के बाद गाना आया है? नहीं समझे मतलब तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहले गाना जो छूटा था इससे पहले वो कितना दिन पे आया था? देखिए आपको अपडेट रहना पड़ता है। मैं आपको बोला था फेसबुक पे लाइव आइए, वो क्या होता है ना अगर आप कुछ कर रहे हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा दिखाना पड़ता है फेसबुक। आप एक सिंगर हैं ठीक है, आपको लाइव आना पड़ेगा फेसबुक पे हर चीज सभी को बोलिए शेयर करने के लिए। उसके बाद आप राजीव किस पे बोल रहे हैं कि आपका नहीं गया ये बताइए तो? राजीव रॉक्स की बात कर रहे हैं आप? राजीव रॉक्स चैनल खोलिए ना भैया, आप देखिए उस पर नहीं आपका कम्युनिटी आपका गाना पोस्ट नहीं है।
तो हम क्या किए हैं, हम आपको क्या सपोर्ट नहीं, एक मिनट, हम आपको क्या सपोर्ट नहीं किए ये बताइए ना। अच्छा हम क्या किए हैं, कितना दिन पे कबड्डी मारेंगे हैं? आप क्या किस तरीके से बात करें वो समझ रहा है, क्या हो गया है आपको, आपके दिमाग में क्या हो गया आपको? अरे व्यू क्यों नहीं जा रहा है, आप स्टार हैं, आपको बोलेंगे खराब लगेगा। हाँ तो फिर तब आप अपने आप को समझिए, संभालिए ना पहले, आप फालतू का यूज बोलवा रहे हैं। आप मेरा ये कहना है कि आप एक सिंगर हैं, सुनिए सुनिए ना, अब कौन लड़का स्टार आप चुरा के गाए होंगे, गाना चुरा के गाए होंगे आप। ये देखिए क्या होता है ना, ना हमारे अंडर में कुछ है, ना आपके अंडर में, ना कंपनी के चैनल्स में कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स होता है ये कि आप किस प्रकार के डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, मतलब आपका पब्लिक सिटी क्या है, आपका पब्लिक सिटी क्या मार्केट में दिख रहा है। तो आपका सब्सक्राइबर जो आपका हजार ही सब्सक्राइबर है ना, वो आपका जेन्युइन सब्सक्राइबर्स है, ठीक है, वो सब्सक्राइबर आपको जानता है, आप खुशी फिल्म के जो सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, वो आपको नहीं जानता है, बात को समझिए आप। तो आपको पसंद नहीं करता है, साफ बात है, आपको आपको पसंद नहीं करता है, आप समझिए, कत्तों कम्युनिटी पोस्ट कर दें या कत्तों कुछ कर दें उससे कोई मतलब नहीं होता है। आप चेक कीजिए, चाहे अगर कम्युनिटी पोस्ट चेक किया था कितना चैनल से मारा गया है ना, अगर लगता है कि सोनू अभी मार दिया है तो ऐसा कुछ नहीं है। आप रात को भी आपका गाना हम लगभग हम सोने लगे तो उस टाइम भी किए, मॉर्निंग में उठे उस भी टाइम किए, तो उस प्रकार से आप समझ रहे हैं कि सोनू भैया बिगाड़ रहे हैं, तो हम आपको खुद बिगाड़ेंगे, हम तो खुद बर्बाद हैं, दूसरा के क्या संभालेंगे या दूसरा के क्या बिगाड़ेंगे। कौन भगवान, क्या क्यों नहीं? आप जो है ना, बोलने में क्या लगता है उसको, एक मिनट सुनिए ना, बोलने में कौन बोलता है कि चैनल हैंडल कौन कर रहा है, कौन महादेव बाबा बन गया, बात कराइए हमको उनसे थोड़ा सा। वो उनका तो खुद, अगर जो बोलते हैं ना तो उनका खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, ठीक है, आप जो समझ रहे हैं ना, अब ये आप पता नहीं जब भी कॉल करते हैं ना, तुम ये नहीं हो रहा है, तुम वो नहीं हो रहा, लग रहा है कि मतलब गजब वाली बात हो गया भाई, बात करने का हद भी होता है, एक लिमिट होता है, आप क्या क्या बोल रहे हैं थोड़ा समझिए, थोड़ा सा बोलने से पहले सोचिए, क्या ध्यान नहीं दिए बोलिए ना, क्या ध्यान नहीं दिए बताइए। मैं रखिए फोन, डूबे लगे पुराने खाने पर आ जाए। ब्लॉक करा क्या,
क्या हुआ? क्या क्या हम आप क्या बोल रहे हैं पता है, कितना तकलीफ हो रहा है हमको साला। ये सुनिए ना, जो काम नहीं करता है तो उसको अलग बात है, लेकिन जो काम कर दिया और उसको अब उल्टा मिलता कि आप ये काम नहीं किए, तो कितना बड़ा अफसोस होता है। हे भगवान, अरे आप हमारे दुश्मन है क्या? कहाँ है अभी आप बताइए तो। आइए आइए, आपको लग रहा है अच्छा आप हमारा खेत जोत लिए हैं कि क्या कर लिए आप, मतलब क्या? व्यू सब्सक्राइबर आपको डेली अपडेट आना होगा सोशल मीडिया पे आपको। सुनिए एक मिनट, हेलो, सोशल मीडिया पे आपको रेगुलर आना होता है, ठीक है? कुछ ना कुछ वीडियो लेकर आइए, टिकटॉक वीडियो में आइए, आदमी नजर में आइए, तब लोग पसंद करेगा, ऐसे थोड़ी पसंद करता है। अरे अब क्या क्या बोलते हैं वो खुद ही समझ में ना आता, आप बोलने से पहले सोचिए कि हम क्या बोल रहे हैं। आप बोलने से पहले सोचिए कि आप बोल क्या रहे हैं, ठीक है? आप सोचिए पहले क्या है। नहीं आप फालतू का दिमाग लगाते हैं कि आप सुन के हमको पढ़ने दे रहे हैं। अरे भैया आप मेरा क्या ले लेंगे, या कोई उसे कोई डिजिटल हेड कुछ नहीं करता है, डिजिटल में कोई कुछ नहीं करता। आपका वीडियोज में अगर दम होगा ना तो तभी आगे बढ़ जाएगा, ठीक है? डब्लू सिंह का गाना में क्या था, तो खुद ही हुआ ना। अब हम बोलेंगे कि नहीं डब्लू सिंह को हमें स्टार बनाया, साला ये सबसे बड़ा हमारा बड़ा चुतिया क्यों होगा। अब क्या कोई रुकिया बोलता है हमको क्या पता, तो हम तो किसी को हमारे सुनिए एक मिनट में क्या कौन यूज कर रहा है, तू सी एम एस है खुद करता है हैंडल। आप जिस तरीके से बात करते हैं ना, पहले समझिए किसी का अगर आप फ्रेंड मतलब फ्रेंड पे आना चाहते हैं, किसी को बात किया जाता है, समझा जाता है उनको, उनको बोला जाता है कि हमारा ये कीजिए, आप पहले चेक कीजिए, आप हमसे पूछते। सुनिए ना, हेलो, मेरे बोलने का मौका दीजिए। आप हमको पूछते, आप जो है ना हमको पूछते कि भैया कि ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं, क्या किए कि नहीं, ये आप पहले पूछते कि कुछ नहीं हुआ। इस तरीके से बात करना होता है क्या, मतलब आप क्या समझना चाह रहे हैं? इस तरह से तो प्रॉब्लम खड़ा होता है कि मतलब दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, तो उस तरीके से ये नहीं होता है। आप जिस तरह से चाह रहे हैं ना वो फॉलो नहीं होता। आप ये देखिए कि क्या आपका काम हुआ या नहीं हुआ, व्यू वो नहीं होता। मान लीजिए कि आप अगर वेब म्यूजिक पर भी कम्युनिटी मार देंगे ना, 30 मिलियन जो सब्सक्राइबर्स है वेब म्यूजिक पर भी कम्युनिटी मार देंगे ना, अगर आपका गाना चलने का नहीं होता है ना तो वो नहीं चलेगा। अगर आपका गाना चलने का होगा ना, किसी पे कम्युनिटी नहीं मारेंगे तब पर भी आपका ये हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, मैं अभी भी कॉल जो है ना हॉल्ट में 12 से मानी सुबह 7 बजता है, ठीक है?
आप जो कॉल उठाने की बात कर रहे हैं ना, आप एक बार हमसे मिल लीजिएगा और मेरे सामने कम से कम जो है ना सुबह 7 बजे से लेकर के और भैया आप एक बात बताए, छोटी सी बात, आप नहीं नहीं वो आपका गलत सोच है। आप एक बार बताता हूँ, अगर आप हमारे पास आएंगे बोलेंगे भैया हमको ये हमको बताइए, क्या मैं आपको नहीं हेल्प करूँगा? समझिए सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना हमारा फर्ज है और हम अपने काम को कर ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि आपको लगता होगा। तो क्या लग रहा है आपको कि हम अगर अगर हम कॉल अगर आपको नहीं करके इस तरह से किए तो आपको आप सुनिए ना, आप क्या चाहते हैं कि आपको लाइन पर लेके आपको दिखाएं ये करके? इतना देखिए नहीं टाइम हो पाता है समझे, और हम क्या है कि आपने हमें कॉल कर दिया एक बार कि हाँ ये हो जाना चाहिए तो आपका हम काम करते हैं, और अगर आप चाहिएगा कि सोनू जी ये नहीं हुआ उसको फाइनल कीजिए, हम तो करते ही हैं, हमारा यही काम ही है, हमारा ये काम छोड़कर और कोई रोजी या रोजगार नहीं है, हमारा यही काम है ठीक है। और जहाँ तक की बात होती है जिस तरीके से बात कर रहे हैं इस तरीके से बोलिएगा तो कोई भी अच्छा अच्छा आदमी काम छोड़ देगा, उसमें क्या दिक्कत है? आजकल देखिए आपको भरोसा करना होगा, नहीं आप अगर से बात करते हैं ना तो मैं कुछ बोलता आपको कुछ नहीं बोलता, मैं आपको सीधी से आपका देखिए क्वेश्चन क्या होता, आपको बोलना होता कि मेरा काम हुआ कहाँ का क्या हुआ, आपको ये पूछना था पहले ठीक है, और उसके बाद ही जो है ना कोई प्रश्न करना था, उसके बाद आप गड़बड़ देख भैया ये काम नहीं किया आपको बोल दिए हम। आप मैं बता रहा हूँ फोन कब काट रहा हूँ बताइए, एक मैं बता रहा हूँ उस टाइम जो है ना उस टाइम जिस टाइम फर्स्ट टाइम आपको कॉल उठा ना, मेरा लड़का बोला कि इसे भी कॉल आ रहा है इनका ही आ रहा है, तो मैं बोला ठीक है मैं बाद में बात करूँगा, मैं उस टाइम खाना खा रहा था ठीक है, और खाना खाते हुए अब मान लीजिए खाना दिन अब तो मैं बैठा ना अभी से लेकर के 7 ठीक है ज़्यादा ठीक है, लेकिन आपको ये है ना आपको समझना चाहिए सर ये क्या है नहीं है। अच्छा आपको क्या लगता है कि हम आपको अपना नहीं समझते? आप जो है बड़े से बड़े चैनल पे देखिए ठीक है, बड़े से बड़े चैनल को चेक कीजिए, जो भी हम जहाँ तो कहता मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद देता हूँ आपको, आपको लगता है कि ये नहीं है, मैं नहीं आपने जो सुनिए आज तक जो आपने बोला ना मैं सभी तक मैंने एक्सेप्ट किया, लेकिन मैं काम करने के बावजूद भी अगर ये आप बोल दिए ना कि सोनू भैया आप ये नहीं किए, साला इतना मेरे को दर्द हुआ कि बाप रे बाप क्या बात है भाई, जो जितना मैंने काम किया वो बोल रहे कि ये नहीं किए, महसूस होने लगा। एक उनकी लाइन पर हेलो, हाँ भैया प्रणाम, क्या चीज का एग्जाम मिल रहा है? 50 का नहीं मिल रहा है? मैं बता रहा हूँ आपको, आप जो है ना किसी को 100 रुपये का लीजिएगा तो 200 रुपये लगेगा, यानी डबल पैसा लेता है समझे। तो सुनिए ना आप उनको बोलिएगा कि भैया थोड़ा जल्दी मंगवा दीजिएगा, 5 दिन के बाद ही जाइएगा, क्या दिक्कत है?
समझे। हाँ देखिए स्टाम्प पे अगर आप काम करते हैं ना आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगा, समझे। थोड़ा सा हाँ 5 दिन के बाद ही होगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। हेलो 500 वाला लेके क्या कीजिएगा जी उसमें का। हेलो मिलेगा मिलेगा, उसको बोलिएगा कि 50 का 2 पेपर चाहिए, 100 का 1 पेपर चाहिए, वो मिलेगा, हर जगह मिलता है, पढ़ना भी तो यहाँ हर लोग अभी लाला करके काम कर रहा है। अरे ये सब प्रॉब्लम होता है, सुनिए ना, ये स्टाम्प स्टाम्प जो है ना प्रॉब्लम होते रहता है, ठीक है। तो बाद में जाइए, क्या दिक्कत है, मान लीजिए अभी नहीं मिल रहा है तो बाद में लीजिएगा दूध मोट का। देखिए बता रहे अब जो है ना नियम चेंज हो रहा है, YouTube का नियम हर 25 दिन में चेंज होता है, और ऐसा कुछ नहीं है आप देखिएगा, ठीक है। हेलो 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 हाँ भैया प्रणाम, नहीं नहीं अभी बात ही कर रहे थे सबसे, क्या कहें। देखिए अब नहीं नहीं कोई बेइज्जती नहीं बात है, मैं बता रहा हूँ आपका ऑडियो का वर्क हो रहा है, ठीक है। मैं आपको भेजता हूँ एक लिंक और डेटा फाइल भेजता हूँ, आप लिखिए व्हाट्सएप पे डेटा फाइल भेजिए भैया, ठीक है। हम करते हैं आपका काम, ठीक है। अच्छा रुकिए मैं आपको चांस देता हूँ, मैं आपको चांस देता हूँ, ठीक है। लेकिन वही कि आप अपना ओरिजिनल सॉन्ग वगैरह यूज किए, चैनल का नाम हम चेंज कर देंगे, ठीक है। मैं नया चैनल देता हूँ आपको, मोनेटाइज वाला चैनल, समझे। ये भी होगा, इसका ऑडियो का काम हो रहा है। हाँ खुलेगा, क्या तो आप रिलीज कीजिए ना सॉन्ग, इस सिंगर से इसमें क्या मतलब है, आप सॉन्ग रिलीज कीजिए, चैनल तो आपका है ही। हाँ तो उसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिएगा, क्या दिक्कत है। इसमें सिंगर से क्या मतलब, आप तो चैनल आपके पास है, उसमें वीडियोज आप डालिए, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। जरूर 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 जरूर, क्यों नहीं, ठीक ठीक प्रणाम। बोला हुआ जब
हेलो, हाँ मैं प्रणाम कह रहा था कि अपने यहाँ एक सर्वन साइड ऑफिशियल चैनल्स है, ठीक है, तो ऑफिशियल, हाँ, तो इनका जो है सब टोटल सॉन्ग ओरिजिनल है, इनका क्लेमिंग भी किया गया है, ठीक है, तो कहना है कि चैनल तो वाइट लिस्ट है, कोई कोई ब्राइट नहीं है, कोई दूसरे चैनल पर नहीं आया है, लेकिन इससे टोटल सॉन्ग गाना और क्या बोला कि क्या मतलब प्लेटफॉर्म पे पब्लिश हो गया है, तो जवाब देना पड़ेगा ना हम लोगों को। हाँ, इनको बोलिए सर्वर साइड ऑफिसर का एग्रीमेंट जाने इनका, ठीक है, क्लियर है। हाँ, उसका क्या हुआ ना, बातचीत हुआ है, वो बंदा मुंबई में ही रहता है, ठीक है, तो क्या है ना, उनका जो काम था उनका कहना था कि ये कॉपीराइट वाला वो कर दीजिए, तो हम लोग कॉपीराइट वाला कर ही दिए हैं, सारा ओके है, और पेपर भी मैं आपको सेंड किया हूँ व्हाट्सएप पे, एस मुझे भोजपुरी का, सब कुछ क्लियर है। मैं उनको बोला कि आप जो है ओरिजिनल पेपर आप कॉरियर कीजिए, तो उन्होंने बोला कि मैं तो यहीं रहता हूँ मुंबई में ही, तो मैं आप ऑफिस आ जाता हूँ पेपर देने के लिए, तो मैं बोला ठीक है ऑफिस आ, हाँ मैं बोला कि ऑफिस आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक कि चैनल के लिंक के बारे में बात है, वो उनका चैनल रिव्यू में है, ठीक है, रिव्यू में है, तो वो मोनेटाइजेशन के लिए उनका टाइम लगेगा। मैं उनको बोला कि टाइम लगेगा, अभी ऑडियो का काम वर्क हो रहा है आपका, फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो बोला कि ठीक है हो गया, तो डॉट है मैम। हाँ हाँ नहीं नहीं ये जरूर जरूरी जरूरी मैम, जहाँ तक मैं देखिए हो रहा है ना मैम, मैं क्लियर ही करते जा रहा हूँ, और कोई भी ऐसा कुछ नहीं काम कर रहा हूँ जो कि प्रॉब्लम्स आगे क्रिएट हो, जो भी है बोल के किया जा रहा है। और थोड़ा सा ये देखिएगा मैम, ये कुछ वैसे कॉल जाएंगे आपके पास, क्योंकि मैं थोड़ा अगर कभी, मैं सभी को नंबर आपका मैं दे चुका हूँ, क्योंकि मैं कभी बिजी होता हूँ या कॉमेडी शॉर्ट पे जैसे रहता हूँ, तो मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता, तो डायरेक्टली आपको कॉल कर लेता है, तो आप वो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा मैम, हम लोग मिलके काम कर रहे हैं, बस यही है। नहीं तो मैं शेयर करता हूँ आपको, मैं सबको शेयर करता हूँ, क्या एक्चुअली कि कुछ ऐसे चैनल्स क्लाइंट होते हैं जो कि उनको जल करवाना होता है, तो मान लीजिए कि अपने सीएमएस पे स्ट्राइक का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, जो अगर मान लीजिए क्लेमिंग किए करते हैं स्ट्राइक, लोग गुस्से में आके दे देता है, तो हम लोग वो दूसरे सीएमएस पे लिंक कर रहे हैं, अगर वो अगर राय सर बोलेंगे कि नहीं अपने ही सीएमएस पे सब लिंक करना है, तो वो अपने ही पे करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ और कुछ नहीं है, अभी एक रिबब है, रिबब अगर वो लिंक होगा तो सर को बोलिएगा कि आज लिंक हो जाएगा, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, उस पर टोटल अपना सॉन्ग है। हाँ ये सर्वन साथ का टोटल ऑल प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा क्लियर की करवाइए मैम, क्योंकि सब कुछ ओरिजिनल सॉन्ग है, बढ़िया बढ़िया सॉन्ग है, ये बहुत पुराने गायक छाला बिहारी इस टाइम के है ना, गुड रंगीला, बहुत पुराने गायक है ये, टी सीरीज के सिंगर है ये, और ये बम्बे में इनका भी घर है। हाँ एग्रीमेंट सब कुछ है सर, सर के पास, हाँ ठीक है बड़ा। क्यों ले बाबू किधर है, आग लग रही है, यानी निराय को फोन कर लिया समझ नहीं, सालियों की गलती से गलती किए ना, तो क्या कहें करे मन ये पढ़ा हुआ निकल लो ऐसे, तो भाई सर इधर नहीं करो इसको, तो चलो तो बोला क्या खेलना, ओ भाई जो पागल की समझ ही नहीं, संपत्ति सुने या कि मेरा लॉन्ग मेला खेल में लगा पना जाए ना, कहाँ नहीं गया सर, अगर ठीक हो बात बात करो, निगरा कर लिए तो बात नहीं कर लिए, लॉन्ग टाइम मैं नहीं था
अपने ही पास है ठीक है, तो उनको मैं एग्रीमेंट भेजा हूँ ऑडियो का, उनका वर्क करना है ठीक है, तो ऑडियो का वो वर्क करना है, तो उनका क्या कहना है ना कि वो बिना स्टाम्प का वो कर रहा है, तो बिना स्टाम्प का हम लोग नहीं कर सकते, ये सब डीजे वो यूज करते हैं, डीजे ट्रैक ढंग का होता है ना वो यूज करते हैं, तो इनको जब तक वो स्टाम्प नहीं देंगे तो इनका काम हम लोग ऑडियो का वर्क नहीं कर सकते। मैं बात किया हूँ अभी जस्ट, समझाया इनको, उनसे बात किया हूँ मैं अभी जस्ट। हाँ लीजिए, हेलो, अभी तो बात हुआ था आपसे, अब क्या प्रॉब्लम हुआ? देखिए आपका ऑडियो का वर्क, पाँच सौ वाला कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि पाँच सौ का ज़्यादा पेमेंट है तो पाँच सौ वाला कर लीजिए। हाँ तो पाँच सौ वाला दो ले लीजिए आप, ठीक है पाँच सौ वाला दो ले लीजिए आप, दो होगा एक जो चौदह पंद्रह पेज का मैं एग्रीमेंट भेजता हूँ ना आपको, मैं आपको बता रहा हूँ चौदह पेज वाला जो है ना एग्रीमेंट, उसका फर्स्ट पेज और लास्ट पेज ठीक है, वो 500 के स्टाम्प पे करा लीजिएगा, और एक मैं एक पेज का भेजा हूँ वो 500 पे करा लीजिए, आपको तीन पेपर खरीदना होता है, तीन तीन खरीदना होगा आपको। हाँ 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 सेंड कर दीजिए। हाँ इनका तो इसे बन गया है, तो नेक्स्ट टाइम मैं वही करूँगा, आप भेज दीजिए। हाँ नहीं, हम लोगों को जब तक लीगल एग्रीमेंट नहीं होता हम लोग कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जो कि हम लोग को आगे दिक्कत हो। भाई ना CMS, वन सेकेंड आप दूसरे का साउंड डालिएगा, स्ट्राइक आएगी तो CMS नहीं हटेगी। आपको मैंने बोला था ना कि आप दूसरे का यूज मत कीजिए। देखिए भीड़ रेड हमारी ही कंपनी है, डीएनटी भी हमारी कंपनी है ठीक है, इसमें देखिए हमारा जो काम है ना, हमारे काम जो चेंजिंग, अगर YouTube 25 दिन पे चेंज हो रहा है तो हम लोग को चेंजिंग आता ही है। भीड़ेड हमारा ही कंपनी है मैम, पहले हम लोग भीड़ेड चला रहे थे ठीक है, अपना ही है, तो भीड़ेड से हम लोग वर्क कर रहे थे, तो कोलाइज मीडिया से अपना ही CMS था, तो अपना ही CMS से लिंक हुआ था, तो इनका क्या हुआ ना कि गलती से दूसरे का कंटेंट डाले थे। अरे सुनिए मेरी बात, हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो फिर सकते हैं फिल्म वाले भैया सुनिए ना मैं बता रहा हूँ ये आपकी गलत फहमी है आपको देखिए क्या है ना आप समझिए थोड़ा सा हम लोग गाना हंगामा अमेजोन पे तभी हम लोग वर्क कर सकते हैं जब हमारे पास लीगल एग्रीमेंट हो और आप सोच रहे हैं ना कि हम लोग हर चीज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग क्या बोलिए ना कौन प्राइमरी में कोई चैनल में आपका प्राइमरी नहीं है सबका मैं चेंज किया हूँ बताइए किस चैनल का प्राइमरी नहीं मैं हूँ बताइए अभी बताइए मैं अभी चेंज कर रहा हूँ अभी अभी बताइए आप लाइन लाइन पर रहिए अभी अभी लाइन पर रहिए ये क्वेश्चन आप कोई कर ही नहीं सकता मेरे साथ इसलिए नहीं कर सकता ना कि मैं ये प्रॉब्लम कब का सॉर्ट आउट कर चुका हूँ मैं लाइन पर रहिए ये मेरे पास प्रॉब्लम क्रिएट है ही नहीं अब ये मैं इसको है नहीं है अगर मेरे पास जो चैनल भेजते हैं ना मैं इनको साफ बोलता हूँ मैं वीडियो का लिंक देता हूँ उनको बोलता हूँ अभी चेक कीजिए आप देखिए प्राइमरी है कि नहीं है आप मेरे को बताइए आप अभी अभी जो है ना चैनल चेक कीजिए प्राइमरी और कौन है मेरे को बताइए आप और आपके चैनल में क्या हूँ चेक करके बताइए मैं आपके चैनल में मैनेजर हूँ प्राइमरी ऑनर आप हैं ठीक है आपको ये गलत फहमी है और आपको जो ये क्वेश्चन जो बोलता है कि ये वो संपत्ति आपकी है हमारे यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो कि हमारी गलती होगी किस बार अभी मैं लाइन पर मैं कितनी बार कॉल किया मैं अभी चेक करता हूँ अपना कॉल डिटेल लाइन पर फालतू वाला जिस तरह से बात कर रही थे बड़ी बात सुनो भाई लाइन पर रहिए भैया नहीं नहीं रुकिए एक मिनट आपका नंबर क्या है आपका नंबर एक मिनट आपका देखिए 121 में है एक मिनट आप ये गलत बात मैम के सामने गलत बात बोल रहे हैं ठीक है आप नहीं नहीं एक मिनट लाइन पर रहिए आपका मैम भी लाइन पर है ना देखिए 1:20, 1:21, 1:19 1, 2, 3, 4 बार कॉल है लेकिन मैं आपको 4 बार कॉल में आपको मैं 2 बार रिसीव किया हूँ अब बताए किसी गलती है ऐसे शॉर्ट दूंगा आपको लाइन पर रहिए आप लाइन पर रहिए मैं ऐसे शॉर्ट दे रहा हूँ फालतू का मन आपका संकोच है आप चेक कीजिए आप अपना है चेक कीजिए मैं आपको मिल रहा हूँ ये तो गलत बात है मन में जो आया सब बोल रहे हैं आप गलत बात है ना हेलो हेलो हाँ हाँ सर वो लड़का ऐसे ही फालतू का फ़ोन कर रहा है जैसे क्या है ना उसका एग्रीमेंट उनसे ऑडियो वाला वर्क करना है ना सर तो उनका कहना है कि सर 50 और 100 का नहीं मिल पा रहा है और इसके बीच में वो कॉल कर रहा था मेरे को तो मैं दूसरे आदमी से दूसरे पर्सन से बात कर रहा था वो चैनल के मैटर में बात हो रहा था तो उसी में कॉल किया लगभग 5 बार या 4 बार किया है उसका डिटेल तो मेरे पास है कितना बार कॉल किया है तो वो डिटेल मैं उसको बता रहा था तो उनका कहना है कि नहीं सीखिए तो पहले हम क्या कर रहे थे ना वीडियो से पेपर बनाए थे उनका तो वो क्लियर हुआ था उनका तो अभी जब हम वीडियो का भेजें अगर हम ऑडियो वर्क करते हैं अगर हमारे पास पेपर नहीं होगा तो हम आगे पेपर क्या जवाब देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है ना हाँ Thank you.
वही ना सर, प्लसमे से हम डरते हैं ना कि हम एलमो ऑन द स्पॉट क्यों नहीं हम लोग एलिमेंट्री कर ले, पेपर अपने पास मंगा ले, कहानी खत्म। वही ना तो वही आसर कह रहे थे सर, चार जन कॉमेडी का चाहिए जो कि अपने पास जैसे ब्रिटेन कॉमेडी हो गया है। और ओके ओके और सर थोड़ा सा एक बताओ सर, वो पेमेंट क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा सर को बोलिए ना क्लियर करने के लिए। ठीक सर, प्रणाम। हेलो, कॉल करूँ क्या? ठीक, ओके ओके। बोले बॉय ये लड़का या लड़की है? यो यो सर, आप ठीक है ना? बढ़िया है ना? अब ठीक है ना? आपके घर आना होगा तो बाप रे बाप, नहीं तो अकाउंट नंबर के लिए क्या है, क्या अकाउंट नंबर में डालते हैं?